बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट सी, तो हमें एक ए बी सी गिवन है, आ जाइए बना लेते हैं पहले, जो कि क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और किस पे है वो राइट एंगल ट्राइंगल, सी पे, तो इसको सी मान लेते हैं, इसको ए और इसको बी, ठीक है, इतना हमने कर लिया। तो यहां पे सी क्या है, राइट एंगल है, इतना हमने बना लिया। देन वो कहता है कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटन्यूज ए बी, तो कहता है कि एम क्या है हमारे पास, ए बी जो हाइपोटन्यूज है उस पर एक मिड पॉइंट है, तो हम यहां पे इसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं एम, तो उससे क्या है एक लाइन बतानी है, ठीक है, एम से, जो कि क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी के। ओके जी, तो हम एम से एक लाइन आगे बनाते हुए जाएंगे, और कहां पे जाएंगे, जो कि क्या कर रही हो, ए सी पे जा रही हो और इंटरसेक्ट करेगी ए सी को डी पे, यानी एम से एक लाइन बनाओ आगे ए सी पे, जो जाके इंटरसेक्ट करेगी डी पी पे, डी पे, एंड जो क्या होगी, पैरेलल होगी एम डी जो लाइन बनाई है हमने बी सी के, यानी कि हमारे पास अगर हम देखें तो हमें ये गिवन है कि एम डी पैरेलल टू बी सी, इतनी चीज आ गई। और क्या गिवन है, एम एक मिड पॉइंट है, साथ ही साथ लिख लो आप ऐसे कि एम एक मिड पॉइंट हो गया, किसका बच्चों, ए बी का, क्लियर होगी चीज। ओके, अब देखो हम आगे चलते हैं, हमें क्या शो करना है, सबसे पहले कि डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो डी है वो क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है ए सी का। दूसरी चीज, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये जो हमने बनाई है लाइन, ये परपेंडिकुलर है ए सी पे। ओके जी, देन द थर्ड वन, सी एम इक्वल टू एम ए, अब सी एम तो हमने अभी कोई ज्वाइन नहीं किया, चलो जब थर्ड पे आएंगे तब कर लेंगे, अभी नहीं करते, हम अपना सॉल्यूशन निकालते हैं इसके अंदर। आप प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले हम देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एम डी पैरेलल है बी सी के, ठीक है जी। सबसे पहली चीज देखो कि एम इन ट्राइंगल लिखते, पहले किस ट्राइंगल में बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इसके अंदर क्या है, एम मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ए बी का, जो हमें गिवन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, हमारे पास जो एम डी है वो पैरेलल है बी सी के, गिवन है, तो जिससे हम क्या कह सकते हैं कि देयरफोर हमारे पास जो डी है वो भी क्या होगा बच्चों, एक मिड पॉइंट होगा उसकी जो साइड अगली ए सी का, क्यों होगा, हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से, इस वजह से ही होगा ना, डी किसका मिड पॉइंट होगा, ए सी का, क्यों, क्योंकि हमारे पास कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, जो क्या कहती है कि एम अगर मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है एम डी, देन जो यहां पे जाके डी इंटरसेक्ट करती है उस लाइन पे वो क्या हो जाएगी, उसका मिड पॉइंट हो जाएगी। चलिए पहली चीज हमारी प्रूफ हो गई है, ठीक है जी, आ जाइए अब हमें क्या प्रूफ करना है, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ये चीज प्रूफ करनी है, तो चलो इसको प्रूफ करते हैं, हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको देखो ध्यान से, हमारे पास क्या चीज है, एंगल इसको वन मान लो, पहले एंगल वन मान सकते हैं इसको, ठीक है, हम यहां पे क्या कहेंगे कि हमारे पास एम डी पैरेलल है, देखो एज एम डी पैरेलल टू बी सी, ये तो हमें पता है, ठीक है जी। देन हम क्या कह सकते हैं कि एंगल वन इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों होगा बच्चों, ये अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमारे पास जो ये सी डी है एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एम डी इसकी पैरेलल साइड है, तो ये क्या कर देगी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमारे पास एंगल सी वन इक्वल टू सी आ गया, एंड एंगल वन की हमारे पास वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है,
एंगल वन किसके इक्वल है 90 डिग्री, ये कहाँ गिवन है, ये हमें गिवन है यहाँ पे कि जो ये क्या कर रही थी हमारे पास, सॉरी एंगल वन इज नॉट 90 डिग्री, सॉरी एंगल सी हमें ये गिवन है क्योंकि ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जिसकी वजह से मैंने क्या कहा कि एंगल वन इज इक्वल टू सी 90 डिग्री वो भी होगा। तो हमारे पास अगर एंगल वन 90 डिग्री है, जिसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया एम डी, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। ये हमारी दूसरी चीज प्रूफ होगी, ये पहली चीज प्रूफ होगी, क्लियर हुई या दोबारा बताता हूं। चलो देखो एम डी पैरेलल है बी सी के, ये हमें चीज गिवन है, ठीक है जी। एंगल वन इज इक्वल टू सी होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे रीजन क्या है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ना, ठीक है जी। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो हमारे पास क्या होगा, एंगल वन की वैल्यू भी 90 डिग्री हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर है एमडी किस पे, हमारे पास एसी पे। दो चीज प्रूफ हो गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रूफ की तरफ, आ जाइए। अब देखो हमें सीएम चाहिए, तो पहले सीएम को ज्वाइन कर लेते हैं यहां पे हम एम को सी से, ओके। हमें हमें क्या बताना है कि सी एम इक्वल टू एम ए, सी एम इक्वल टू एम ए एंड हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी कर लेंगे, कोई बात नहीं, आ जाइए। देखो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी, इसे अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम कह देंगे कि हमारे पास सी एम इक्वल टू एम ए आ जाएगा सी पी सी टी से। तो कैसे कर सकते, पहले इसको देखो, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों, ठीक है जी, और लीनियर पेयर की वजह से 90 डिग्री बनेगा बनेगा। दूसरी चीज क्या होगी बच्चों, ये चीज कॉमन है हमारे पास, ठीक है जी। तीसरी चीज हमारे पास ये इसको इक्वल है ए डी इक्वल टू डी सी, क्यों भाई, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट है, तो यहां पे आप लिख लो साथ ही साथ कि ए डी इक्वल टू डी सी होगा, इसको नाम बन दे दो पहले, ओके। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने ट्राइंगल, स्टेप बाय स्टेप करो इसको, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं एम डी सी, क्लियर। चलिए तो सबसे पहली चीज हम क्या कहेंगे, यहां पे हमारे पास एम डी इक्वल टू डी एम होगा, कॉमन हो गया ये पहली चीज, ठीक है जी। दूसरा एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू 90 डिग्री ईच, जो हमने बताया कि परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री बनेगा, ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है जी। दो चीज मिल गई, तीसरी चीज हमने क्या कही है, ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी बाय इक्वेशन वन लिख लीजिए, चाहे आप इसको प्रूफ्ड लिख लीजिए कि हमने प्रूफ किया है, ठीक है जी। अब जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास देयरफॉर ट्राइंगल ए एम डी कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चों, ट्राइंगल एम डी सी के हो गया कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एम इक्वल टू हमारे पास, हमें एम ए ले लेते हैं, चलो इसका नाम सही कर लेते हैं, जैसा क्वेश्चन में एम ए इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एम सी के या सी एम कह लीजिए, होगा नहीं होगा, बाय सी पी सी टी से होगा, क्लियर होगी चीज पहली। एक सेकेंड, आपका धुंधला तो नहीं आ रहा, नहीं ये सही आ रही है, हमें ये चीज मिल गई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि हाफ ऑफ ए बी भी है, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो जब हमने इस डी को मिड पॉइंट बनाया था तो हमारे पास क्या चीज थी, यहां पे अगर हम कहे, यहां पे देख लीजिए, हाँ जी, एज हम ये जानते हैं कि जो ए एम है वो क्या है बच्चों, हमारा हाफ ऑफ ए बी है, क्यों है, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ए बी का, इतनी चीज होगी तो उसके हाफ के हो जाएगा ना इक्वल, ठीक है जी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं,
यहां पे आप ले लीजिए सेकंड और ये आपके पास थर्ड। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपने क्या कॉन्क्लूजन निकाला कि आपके पास फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आपने ये कॉन्क्लूजन निकाला कि आपने एएम, गलती से बार बार उल्टा लिख देता हूं मैं भी, कि एम ए इक्वल टू किसके इक्वल है तो सी एम के, और साथ ही साथ वो किसके इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के, यही है ना, ये चीज दिख रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास एक चीज जो थी थर्ड वो प्रूफ हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, थर्ड ये रही। एक बार दोबारा जल्दी से बता देता हूँ आपको, एक ट्रायंगल गिवन था जिसके अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल था सी पे, ओके जी 90 डिग्री हो गया, एम इज द मिड पॉइंट, और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है आगे एसी पे, तो हमें क्या बोला गया कि ये इसके पैरेलल है बीसी के, एंड हमें ये बताना कि डी इज द मिड पॉइंट, ये 90 डिग्री है, और साथ ही साथ ये चीज इसके इक्वल और हाफ ऑफ ए बी है। यही था हमने क्या किया पहली वाली चीज में, कि हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया जिसके अंदर हमने देखा कि एम डी पैरेलल है बीसी के, दूसरी चीज एक मिड पॉइंट गिवन है एम, ओके, तो जिससे हमने कन्वर्स ऑफ एम पी की लगाया और निकाला डी इज द मिड पॉइंट, और ए डी इक्वल टू डी सी हमने निकाल लिया। ठीक है जी, आगे देखो, वैसे ही हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, पड़ेगी, हाँ पड़ती है ना, क्यों नहीं पड़ती, चलिए। देन हमने सेकंड चीज क्या थी, एम डी को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ए सी पे, तो हमने क्या देखा कि एम डी हमारा पैरेलल है बी सी के, ठीक है जी, देन जिसकी वजह से क्या होगा एंगल वन इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से, देयरफॉर एंगल वन हमारा 90 डिग्री आया, तो हमने क्या कहा कि एम डी परपेंडिकुलर हो गया एसी पे, दूसरी चीज प्रूफ करी। थर्ड में हमने क्या किया, क्या करना था, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो हमने दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिया इसको लाइन को ज्वाइन करके सी एम को, ये दो ट्रायंगल जिसके अंदर हमने तीन चीजें प्रूफ करनी थी, यहां पे मैं लिखना भूल गया था, अच्छा याद आ गया। पहली चीज एम डी इक्वल टू डी एम कॉमन है, दूसरी चीज क्या है बच्चों हमारे पास एंगल हमारे पास आगे 90 डिग्री, और तीसरी चीज ए डी इक्वल टू डी सी, यानी कि ये एंगल और ये, तो यानी एस ए एस से हमने इसको प्रूफ किया था कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसकी वजह से एम ए इक्वल टू सी एम मिला हमें, ठीक है, एंड एम ए हमारा हाफ ऑफ ए बी भी है क्योंकि मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है, देन उसकी वजह से हमें ये चीज पूरी मिल जाएगी, कंपेयर करेंगे तो, ठीक है, आ गई। चलिए ये हो गया आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज खत्म, मूव करेंगे अब अगले चैप्टर पे, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू।